हे गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में CTET 2020 साथ ही सभी टीचर एग्जाम, चाहे MPTET हो, KVS हो, केंद्रीय विद्यालय वाला एग्जाम हो, या फिर आपका UPTET हो, हरियाणा टेट हो, राजस्थान टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड देखेंगे। इसका फर्स्ट मॉक टेस्ट आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या फिर होल्जिंगर ने? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि आप जो नवजात शिशु होता है, आप उसको कुछ भी बना सकते हैं। वो उसे डॉक्टर भी बना सकता है, वकील भी बना सकता है, चोर भी बना सकता है, जो चाहे बना सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या फिर मन का अध्ययन? आपको इसके लिए मैंने वीडियो एक सबसे पहला जो सीटेट का बाल विकास का वीडियो आया था, मैंने इसमें यही चीज़ समझाई थी, एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक हमारी थी आम चेप। इसका मतलब सबसे पहले आत्मा के विज्ञान कहा गया, फिर इसके बाद इसमें मन का विज्ञान बोला गया, मनोविज्ञान को, फिर चेतना का, और फिर वास्य हो गया हमारा व्यवहार का विज्ञान बोला गया। तो प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है आत्मा का अध्ययन। प्राचीन युग में आत्मा का अध्ययन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, मैकडुगल, फ्राइड या फिर थॉमसन ने? तो आप सभी को ये पता था, इसके सभी सिद्धांतों के भी मैंने 2 वीडियो दिए हुए जिसमें ओवरऑल सभी सिद्धांत मैंने कवर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडुगल ने बोला था। मैकडुगल के अनुसार जो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, और इसके अंदर टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है या उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ बेटर ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। वैसे तो शायद वो सशक्त बनाएगा, लेकिन सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमति परक या फिर सुविधादाता? आपको बताया था कि शिक्षक एक भूमिका सुविधादाता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में होनी चाहिए, एक मित्र की तरह होनी चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। और आपको बता दूँ, NCF के लिए मैंने वीडियो भी अलग से बनाए हुए 2 वीडियो, एक में मैंने आपको पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और एक में उससे रिलेटेड अब तक जितने भी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी मैंने कराए हुए, तो उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या? कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, या फिर बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या फिर निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना? क्या राइट आंसर क्या होगा बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में? आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ ये किसका निर्धारण करती हैं? बच्चों को कमजोर या उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो इससे क्या हमें आशय क्या निकलता है, हमें किस रूप में उनकी गलतियों को देखा जाना चाहिए? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, कि उनको चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखें चाहिए, और अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो किस आधार पर की हैं, और अगली बार गलतियाँ ना करें तो उसके उस पर सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन 7 का जो ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या फिर संवेदिक गतिक में? या सभी को पता होगा पियाजे के बारे में,
प्याजे का अगर हम देखें तो प्याजे ने टोटल चार तरह की अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली संवेदी गतिक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूल संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। जिसमें से संवेदी गतिक की जो हमारा आयु सीमा ही जन्म से लेकर 2 वर्ष निर्धारित की है, पूर्व संक्रियात्मक की निर्धारित करी है 2 से 7 वर्ष की, और मूल संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष की, और औपचारिक की 11 से आगे की निर्धारित की है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8th का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ऑप्शन सी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले हैं, या फिर कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। एक शिक्षिका की एक समावेशी कक्षा में एक इंक्लूसिव जो हमारी क्लास है उसमें क्या शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 9th का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। काउंट करते रहिएगा और आपको कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने कितने सही करें। अभी क्वेश्चन नंबर 10 के आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है क्या है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। क्या सही करता, अभी आपको बताकर शिक्षक की भूमिका किस किस रूप में होती है। परामर्शदाता के रूप में, सुविधादाता के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में, और एक सुलभकर्ता के रूप में। तो यहाँ 10th का ऑप्शन आपका क्या सही जाता है, ए ऑप्शन, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। बढ़ते अगले क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है कि सतत या व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है। अगर आपने इंग्लिश पैडागॉजी की वीडियो देखा होगा पार्ट 3rd वाला, तो उसमें मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आपको क्लियर किया था। सतत या व्यापक मूल्यांकन अगर आपको बताऊं तो सतत का मतलब होता है कंटिन्यू चला है, यानी कि अगर टेस्ट हम ले रहे हैं, अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको महीने में एक बार कर रहे हैं या हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम करा के ले रहे हैं। हम उन्हें क्लास में मैंने पढ़ाने के समय ड्यूरिंग लर्निंग भी हम उनको सिखाते रहे। और व्यापक का मतलब है शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा के बाहरी चीज़, यानी कि स्पोर्ट्स हो गया, कुछ एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। 11th का ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, यानी व्यापक का मतलब है शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 12 है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा गलत है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या फिर विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। क्या सही आंसर होगा, इन चारों में समावेशित विद्यालय के संबंध में एक कोई गलत हो ऑप्शन है और 3 सही है, तो गलत वाला क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। फिर बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है। क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, या फिर मनोगतिक प्रक्रिया। क्या होना चाहिए, चिंतन कैसे प्रक्रिया, भावात्मक है, क्रियात्मक है, संज्ञानात्मक है, या फिर मनोगतिक है। देखिए हर मॉक टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको, जैसे कि साइंस क्लास में मैंने आपको कल दिया था, तो इस वजह से आप आज के वीडियो में भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर दूंगी। तो आज का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और आपको इसका जो आंसर है आप कमेंट करके मुझे बताना है। और अगर आपको नहीं भी आएगा, अगर आप गलत भी बताते हैं या आपको नहीं पता है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट में इसका सही आंसर बता दूंगी। बाकी आपको ट्राई जरूर करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया। कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, या फिर हेनरी गोडार्ड ने। सभी को पता होगा सिद्धांत वाले मैंने आपको समझाया था। मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है ये कर्ट लेविन ने दिया, और साथ ही कर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी जो थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे, कोहलर, कोफ का, वर्दीमान की स्थापना करी थी, या कह सकते प्रारंभ किया था। इनमें से जो लेविन भी गेस्टाल्टवादियों में से एक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि पल संवेगात्मक क्रांति किस अवसर जुड़ा हुआ है। आपको बाल अवस्था वाले जो क्वेश्चन सेट करवाए थे, आई थिंक सेट 2 या सेट 3 होगा, उसमें आपको समझाया था कि संवेगात्मक क्रांति किससे संबंधित है। शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या प्रौढ़ावस्था से। अगर आप स्टार्टिंग सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपने बहुत आसानी से इसको पता कर लिया होगा। संवेगात्मक क्रांति जो है
किशोरावस्था से रिलेटेड है, यानी सबसे ज़्यादा जो क्रांति होती है हमारे संवेगों में, हमारे इमोशंस में, वो किशोरावस्था में होती है। तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कि किसने बहुविध सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस कार्लटन ने, या फिर बीएम ब्लूम ने? क्या सही आंसर होगा? अल्फ्रेड बिने की बात करें तो उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। गार्टन की अगर बात करें, फ्रांसिस गार्टन, तो इन्हें स्वतंत्र शब्द साचर विधि का प्रतिपादक बोला जाता है, और साथ ही सुजनन शास्त्र के पिता भी गार्टन हैं, याद रखिएगा। ब्लूम ने हमारे ज्ञानात्मक के कई चरणों को बताया था, वर्गीकरण किया था। पता आपका ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, और साथ ही द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था आपको याद होगा, स्किनर ने दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कि निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसकी देनी चाहिए? व्याख्यान विधि की, दत्त कार्य की, कहानी कथन की, या फिर समूह चर्चा की? आपका राइट आंसर क्या होगा? निचली कक्षा यानी प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है, प्राइमरी क्लासेस की बात की जा रही है, कक्षा 2, 3, 4 इनकी बात की जा रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कहानी कथन को मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी, तो 17 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ये आपके लास्ट वाले में भी आया था, आपको याद होगा, भारतीय बैटरी आपको बताया था। तो भारतीय बैटरी का जो प्रयोग था किसके मापन में था? व्यक्तित्व में, रुचि में, बुद्धि में, आदि क्षमता में? आपको याद होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का मापन किया जाता है बैटरी परीक्षण से। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, किसे कहते हैं? आपको बताया, आपको याद होगा, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? राइट आंसर क्या होगा? गोल्डन एज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तित्व जवाबदेही, कार्यों पर जोर, या शिक्षक केंद्र, क्या नहीं होगी? अगर आपको आंसर चीज़ें समझ भी नहीं आए तब भी आप इसमें आंसर कर सकते हैं कि आपको नेगेटिव कौन सा दिख रहा है। शिक्षक केंद्र, हम बाल केंद्रित की बात करते हैं, शिक्षक केंद्र कभी भी बात नहीं करते। 20 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए। इस लास्ट वाले में भी आपका एक क्वेश्चन था बुद्धि लब्धि से। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देते हैं। और जब आप सॉल्व करें, यानी मानसिक आयु जगह रख दीजिए 10 वर्ष, वास्तविक 8 वर्ष और गुणे 100, जब आप सॉल्व करेंगे तो बुद्धि लब्धि आपका IQ आ जाएगा, ऑप्शन डी नंबर 125 सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 22, कि एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, अधिगम कर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षा पर जोर देता है, या फिर शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है? क्या राइट आंसर होगा? निर्मितिवाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिद्धांत जो निर्मितिवाद है, अधिगम कर्ता खुद अब शब्दों का निर्माण करे, खुद भूमिका निभाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, या फिर नैतिक विकास? सभी को क्वेश्चन रहता होगा, जैसे कि प्याजे जो संज्ञानात्मक विकास संबंधित है, भाषा विकास से चौमस्की संबंधित है, सामाजिक विकास से बंडूरा और जो हमारे वाइगोत्स्की संबंधित है, उसी तरह से कोलबर्ग का सिद्धांत जो है ये नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। फिर 24 नंबर, कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ नहीं खेलने देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा को प्रदान करेंगे, या फिर उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए? अगर आप होते तो आप क्या करते इरफान के साथ, बताइए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा को प्रदान करेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज की वीडियो क्लास वाला क्वेश्चन है,
25 में एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो यह विधि कैसी है? शब्द शिक्षण है, दृश्य शिक्षण है, व्यक्तिगत शिक्षण है या फिर टोली शिक्षण है? ये शिक्षण की कौन सी विधि है? दृश्य अगर श्रव होता तो तुमने कोई चीज दिखाई जाती, जैसे टेलीविजन वगैरह हो गया, दृश्य में केवल चीजें दिखाई गई होती। व्यक्तिक में कई एक हम पर्टिकुलर एक शिक्षक जो है एक विद्यार्थी को टीच कर रहा होता। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोली शिक्षण होगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरे से हमारा आज का जो क्वेश्चन है, हमारा आज का जो CDP का मॉक टेस्ट है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले कल मिलते हैं फिर इसी समय 7:00 PM। और कल हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, तो आप अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आपका अनाउंसमेंट की थी कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे पता आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपना स्कोर याद रखिएगा, अपना स्कोर याद से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।